बिहार और झारखंड के एनसीसी निदेशालय ने अपने पूर्व छात्र एनसीसी उड़ान के सहयोग से बिहार और झारखंड की समृद्ध कला संस्कृति और विविधता को जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखा है उसका हम सम्मान करते हैं। यह बातें सूचना और प्रौद्योगिकी विकास मंत्री श्री जीवेश कुमार एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने बुधवार को नृत्य शक्ति सीजन 1 के प्रोमो वीडियो और लाइव वोटिंग के उद्घाटन के मौके पर प्रेमचंद्र रंगशाला में कही। मौके पर एनसीसी निदेशालय के संयुक्त निदेशक परियोजना कर्नल संजीव शर्मा ने विस्तार से बताते हुए कहा कि एनसीसी आजादी का अमृत महोत्सव के 75वां वर्ष मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में नृत्य शक्ति सीजन 1 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है, जिसमें सिर्फ एनसीसी के पूर्व और वर्तमान के कैडेट ही हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी और कैडेटों के अंदर छिपी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही यह प्रतिस्पर्धा बिहार और झारखंड के लोग नृत्यों को डिजिटल माध्यम से भी प्रोत्साहित करेगी। देश के अंदर मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। मैंने आपकी पूरी प्रेस वार्ता सुनी थी उस दिन की। आपने जिस प्रकार से लोगों को समझाने का काम किया, कई बार विषयों को बिना समझे हम हवा देने लगते हैं, और मैं क्षमा चाहता हूँ ये कहते हुए कि अक्सर राजनीतिक क्षेत्र के लोग ये गलती कर बैठते हैं। कोई चीज आई पहले उसका अध्ययन तो कर लीजिए, और बिना अध्ययन किए जिस प्रकार का वातावरण सोसाइटी के अंदर डायलॉग आपने प्रारंभ किया, उसका भयानक परिणाम समाज के अंदर एक दो दिन में पीछे देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जो समाज के अनुशासित लोग हैं, एनसीसी के साथी गण हैं, उन्होंने समाज में आगे बढ़ करके जिस प्रकार की भूमिका, जिस प्रकार का रोल अदा किया, हम समझते हैं कि इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। और जो आज ये ऐप लॉन्च होगा, इसमें आपको अवसर मिलेगा अपने आप को प्रमाणित करने का, अपने अंदर छुपे हुए कला को, अपने अंदर छुपे हुए इस निजी अनुशासित और चारित्रिक जीवन से बाहर निकल करके चरित्र निर्माण के साथ साथ, अनुशासन के साथ साथ, अपने अंदर जो छुपी हुई कला है उसके प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। हम समझते हैं कि बिहार और झारखंड के सभी लोग, सभी एनसीसी के बच्चे सौभाग्यशाली हैं। मुझे लग रहा है कि जो 90,000 अभी हैं उनको आप अवसर दे ही रहे हैं, और जो बाद में जो पूर्ववर्ती हैं 8,00,000 संभवतः वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो इस प्रकार का पहली बार देश में मुझे लग रहा है कि एनसीसी ने कोई ऐसी प्रोग्राम, ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा ऐप लाया है। तो ये अवसर है कि अपने आप को प्रमाणित करने का, और देखकर की दूसरी राय कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, गर्मी लग रही, गर्मी मुझे भी लग रही थी। तो प्रकार से करने का जिनका स्वभाव रहा, और जिनको हम जितना दिन से जानते हैं, कुछ न कुछ नए कार्य अपने इस डायरेक्टरेट में ये करते रहते हैं, नई कृति मान स्थापित करते रहते हैं। ऐसे हमारे एडीजी मेजर जनरल एम इंद्रबालन साहब, मंच पर उपस्थित ब्रिगेडियर ए के सिंह साहब, मंच पर उपस्थित हमारे छात्र एवं किसी के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जीवेश कुमार जी उपस्थित हुए, मैं उनका अपने इस विभाग की ओर से और खास करके एनसीसी डायरेक्टरेट की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज नित्य शक्ति सीजन 1 का शुभारंभ हुआ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इंद्रबालन साहब। इससे पहले भी इन्होंने एक ऐप का उद्घाटन किया था, जिसमें कि एनसीसी के
बच्चे को जो इनरोलमेंट होने में कठिनाइयां होती थी उसको सुलभ करने में यह बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट देश में पहला डायरेक्टरेट था जो यह ऐप को लाया और पुनः दूसरी बार जो आज हम लोग यहाँ दोनों मंत्री पहुंचे इसमें इंद्र बालन साहब जो ऐप का लॉन्च करने जा रहे हैं और जिस कार्यक्रम को यहाँ लाने जा रहे हैं वह हम समझते हैं देश में पहला डायरेक्टरेट होगा या बिहार झारखंड का जो यह कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे सभी बच्चे को मंच नहीं मिल पाता।